फ्रेंड्स, ये मेरा पहला एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं कि मतलब ये YouTube ही है, मतलब कि YouTube है, लेकिन आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलता है ये एप्लीकेशन पे, जो कि मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि सेम आपको YouTube ही दिखेगा, लेकिन इसका जो बेनिफिट जो मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब देख सकते हैं कि मतलब कोई भी आप यहाँ से जैसा मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप YouTube पर क्या कर सकते हैं कि मतलब बैकग्राउंड पे आप नहीं देख सकते हैं, मतलब ये एप्लीकेशन के थ्रू आप मतलब कि बंद करने के बाद जैसा मतलब कि देख सकते हैं, जैसा कोई सा भी मतलब एप्लीकेशन मतलब यूट्यूब जो वीडियो कोई भी चल रहा है, तो आपको इसको बैकग्राउंड में आप किस तरीके से देख सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप कमेंट कीजिए, कमेंट पर मैं डाल दूंगा। देख सकते हैं कि मतलब अभी मैं जैसा ये चलाता हूँ, देख सकते हैं मैंने बंद कर दिया, लेकिन बंद कराने के बाद देख सकते हैं कि मतलब मैं यहाँ पर इसको चला रहा हूँ, चल रहा है, मतलब कि कुछ भी और भी काम मेरे को मोबाइल पर करना है तो मतलब देख सकते हैं कि मतलब ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलता है। तो मतलब मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं कि मतलब आप इस तरीके से मतलब कोई भी आप चला लीजिए, मतलब कि कोई भी चला लीजिए, तो मतलब कि इस तरीके से आप इस तरीके से मतलब ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब कि बैकग्राउंड में बढ़िया तरीके से चलता है, काम करता है, देख सकते हैं। और मैं आपको नॉर्मली यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ, यूट्यूब पर आपको नहीं दिखेगा, जैसा मतलब कि देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में पूरा आपको 100% ये काम करता है, जो मतलब कि आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा मैं ओरिजिनल यूट्यूब खोल के दिखाता हूँ, जैसा मैं आपके बंद कर देता हूँ, जैसा वीडियो मैंने बंद वीडियो बंद कर देता हूँ, जैसा मतलब कि देख सकते हैं ओरिजिनल अभी दिखाऊंगा, तो देख सकते हैं कि इस पे आप मतलब कि फ्रेंड्स आप बैकग्राउंड पे आप नहीं देख सकते हैं, जैसा मतलब कि आप देख सकते हैं कुछ भी आप सर्च कीजिए, मतलब कि यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पे आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि जिस तरीके से मतलब कि आप देख रहे हैं, मतलब इस तरीके से मतलब कि आप इसको ये अब ये YouTube जो है बंद हो जाएगा, मतलब कि बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, मतलब देख सकते हैं तुरंत बंद हो जाता है। तो ये मेरा पहला एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, आप इस तरीके से मतलब कि पहला एप्लीकेशन को आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये YouTube है, YouTube पर मतलब कि इस पर आपको बैकग्राउंड पर आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि आप इसको एप्लीकेशन को नहीं चला सकते हैं। तो मतलब आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब कि इसका लिंक दे दूंगा आपको, मतलब कि लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। देख सकते हैं ये पूरा बैकग्राउंड में काम करता है, मतलब कि ये एप्लीकेशन जो है मतलब कि आप यूज़ कर सकते हैं बढ़िया तरीके से फ्रेंड्स। देख सकते हैं मतलब कि बैकग्राउंड में ये मज़े से काम करता है, मतलब कि बंद होने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब कि तो मेरा पहला एप्लीकेशन फ्रेंड ये है, मतलब कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी मतलब आपको इतने सारे फंक्शन मिल जाते हैं, जहाँ से मतलब कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मतलब कि आप अपने एप्लीकेशन पे ऐप लॉक्स लगा सकते हैं, मतलब कि कहीं पर भी मतलब आप जैसा किसी को भी देख सकते हैं कि इनेबल यहाँ पे रिकवरी मतलब कि करने का, ईमेल एड्रेस रिकवरी के लिए डालने का बोल रहा है, जैसे इसको आप ऑन करेंगे तो वहाँ पर मतलब आप कोई भी पिन लॉक, पैटर्न लॉक, मतलब कि एप्लीकेशन के अंदर मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे बहुत कुछ है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, मतलब कि देख सकते हैं ये तो एक नॉर्मली देख सकते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट द रिकवरी ईमेल, दो मतलब यहाँ ऊपर आपको यहाँ पर मतलब कि आपको ईमेल डालना पड़ेगा, मतलब कि अभी मैं ये नहीं करूँगा, मतलब कि अगर ईमेल डालूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। देख सकते हैं इसके अंदर फर्स्ट में मतलब कि देख सकते हैं एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस के अंदर आपको देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनेज एप्लीकेशंस हैं, मतलब कि पूरे फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब कि आपको मतलब सिक्योरिटी परमिशन, मैनेज ऐप्स, मतलब कि आपको जो मतलब कि आप यहाँ सिस्टम देख सकते हैं कि सिस्टम ऐप्स, आर्काइव है, गूगल ड्राइव है, यहाँ से लिंक कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं कि उसके बाद फाइल्स हैं, फाइल आपको मोबाइल पर पूरा जितने भी आपके मोबाइल पर फाइल्स हैं पूरा फाइल दिखाई देगा, मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हैं फाइल को फाइल एक्सप्लोरर में मतलब क्लिक करके मतलब कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, मतलब आपका कौन सा यहाँ से मतलब कि आप यहाँ से इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह सब देख सकते हैं। देख सकते हैं कि ऊपर फ़ोन स्टोरेज और इंटरनल स्टोरेज बता रहा है कहाँ पर मतलब कुछ ज़्यादा है, रिसेंटली जो आज जो मतलब कि फाइल देख सकते हैं फाइल लार्ज फाइल एनालाइज रिसेंट क्रिएटेड फाइल, मतलब कि जो अभी मतलब तुरंत मतलब जो रिसेंटली जो मतलब किया हुआ है, मतलब व्हाट्सअप पर मतलब कि आप किस किस को मतलब वो देख सकते हैं, फेसबुक क्लीनर है, उसके बाद ये देख सकते हैं थर्ड नंबर पे ऐप लॉक है, ऐप लॉक मतलब कि आपको कहीं पर भी क्लिक करने के बाद उस तरीके से ऐप लॉक लगाना है, मतलब देख सकते हैं किसी को भी मतलब कि ऐप लॉक पैटर्न और पिन लॉक ऐसे इसके एप्लीकेशन के अंदर से लगा सकते हैं। फिर
क्लीन कर सकते हैं, रैम क्लीन है, देख सकते हैं जंक फाइल है, मतलब कि अपने मोबाइल को जिस तरीके से मतलब कि टोटल फ्री मतलब कि यूज़ कितना मतलब बता रहा है, मतलब कि ये तुरंत ही क्लीन कर देता है, जंक फाइल है, देख सकते हैं मेरा इंटरनल फुल मेमोरी बता रहा है, डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट का आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और डुप्लीकेट फाइल्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा, यूटिलिटी है, देख सकते हैं यूटिलिटी में आपको क्या क्या मिल जाता है, वीडियो फोटो वॉल्ट मतलब इसके अंदर से लगा सकते हैं, प्राइवेट कैमरा है, माय डिवाइस इन्फॉर्मेशन है जो मतलब कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब माय डिवाइस इन्फॉर्मेशन के बाद कौन सा OS है, CPU है, बैटरी है, नेटवर्क है, स्टोरेज है, सेंसर है, कैमरा है, मतलब कि आपको यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है, मतलब आप यहाँ से पूरा अपने मोबाइल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आपको मतलब कहाँ क्या फीचर है, मतलब क्या कौन सा फीचर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इस तरीके से मतलब एक छोटा सा एप्लीकेशन के अंदर फ्रेंड्स आपको एपलॉक के साथ साथ बहुत कुछ मतलब मिल जाता है आपको, मतलब कि नॉर्मली आप यूज़ करने के लिए मतलब कि बहुत ही मतलब इसके अंदर बहुत सारे मतलब कि आपको देख सकते हैं सेटिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब कि स्विच टू डार्क मोड पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है बल्क इमेज कंप्रेसर करके है, जो मतलब कि एक ही क्लिक में आप मतलब आपके मोबाइल पे आपने जो मतलब नए बड़े बड़े MB पर आपने फ़ोटो खींच रखे हैं, फ़ोटो खींचने के बाद मतलब कि आपका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब कि आप इस एप्लीकेशन से फ़ोटो को कंप्रेस करके मतलब कि इमेज का साइज़ आपका नहीं घटेगा। जैसे उदाहरण के लिए मतलब कि मैं एक MB का मतलब कि आपको फ़ोटो लेके प्लस पे निशान पे क्लिक करके गैलरी पे लेके जाता हूँ, देख सकते हैं मैंने ये मोबाइल से कुछ फ़ोटो उठा रखे हैं जो देख सकते हैं कि प्लस के निशान पे मतलब कि जैसे मतलब मैं उठाता हूँ 1, 2, 3, 4 मतलब कि यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो मोबाइल से उठा रखे हैं, तो सेलेक्ट ऊपर सेलेक्ट करके 6 फ़ोटो उठा लिया, देख सकते हैं तुरंत ही कंप्रेस कर देगा। तुरंत कंप्रेस करने के बाद 6 फ़ोटो का साइज़ अभी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं डिटेल में जाऊँगा तो देख सकते हैं कि किसका साइज़ कितना था, 5.2 MB का, देख सकते हैं 200 कितना MB का कर दिया इसने, मतलब कि इसका साइज़ आपको बिल्कुल भी मतलब फटता नहीं है। इस तरीके से एकदम आप मोबाइल पर जितना भी आपके पास फ़ोटो हैं आप तुरंत कंप्रेस कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, देख सकते हैं मतलब कि हाउ डिड यू डू मतलब ये सबमिट मतलब छोटा बड़ा वो करने के लिए मतलब कि एकदम ऊपर प्लस के निशान पे क्लिक करके मतलब कि देख सकते हैं अभी जो मैंने कंप्रेस किया ये फ़ोटो किए मतलब मोबाइल से लिए हुए थे मैंने, तो बस कुछ नहीं सिंपल तरीके से, कुछ इसमें सेटिंग ज़्यादा कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं कि मतलब इमेज क्वालिटी बस। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको लेके मतलब कि आप ये एप्लीकेशन एक बार सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक बार ये एप्लीकेशन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आप अगर मोबाइल पर पॉपअप से परेशान हैं, एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब कि आपको बार बार मतलब कि पॉपअप आते हैं मोबाइल पर, तो ये एप्लीकेशन जो है मतलब कि आपको ब्लॉक करता है। मैं यूज़ करता हूँ रेगुलर, मैं यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ, मतलब कि ये एप्लीकेशन बस इनेबल करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है, बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एडगार्ड करके, देख सकते हैं मतलब कुछ भी नहीं है ज़्यादा सेटिंग यहाँ से, मतलब कि बैटरी यूज़ कितना मतलब कितना उस पर कर रहा है, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके सेटिंग में, आप देख सकते हैं कि मतलब सेटिंग में कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब कि बस सेटअप में सब अलाव कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देख सकते हैं मेरा कितना मतलब इसने ब्लॉक कर रखा है ट्रैकर, देख सकते हैं कि मतलब मेरे को पॉपअप जो आते थे मतलब कि कोई भी मैं वीडियो चलाता हूँ तो पॉपअप आते हैं, तो बैकग्राउंड में ये सब मतलब कि ब्लॉक कर देता है जो फ्रेंड देख सकते हैं आप। तो ये भी मेरा मतलब अगला एप्लीकेशन था जो मतलब कि नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ओपन करते ही आपको अलाउ करना है, नाम एडगार्ड है, आप कमेंट कीजिए, मैं लिंक पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। तो मतलब कि ले चलता हूँ फ्रेंड्स आपको, मैं दिखाता हूँ अगला एप्लीकेशन की तरफ फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, टोरेंट विल्ला करके है ये एप्लीकेशन, मतलब कि एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन के साथ साथ आप यहाँ से कोई भी मूवीज़ वेब सीरीज़ इमेज कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मतलब कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए मतलब कि कोई भी सर्च करके दिखाता हूँ, जैसा मतलब कोई मैं एक मूवी जैसा पद्मावती या मतलब रावण, जैसा मतलब कि रावण मूवी जो मतलब कि मूवी जैसा मैं सर्च करता हूँ, जैसा मतलब कि जैसे
क्लिक करते ही मतलब कि ये सर्च में लगा देगा, मतलब सर्च में लगा देने के बाद मतलब कि इसमें देख सकते हैं मैंने गलत भी टाइप किया हुआ, तो मतलब कि रावण देख सकते हैं नीचे मतलब कि कितना 500 MB में है जो डाउनलोड कर सकते हैं, जो मतलब कि क्लिक करते ही मतलब कि आपको ये मतलब कि देख सकते हैं मतलब बड़े बड़े मतलब कि 1.5 GB में भी है, मतलब अच्छे क्वालिटी में आप यहाँ से सर्च इंजन है, जस्ट सर्च इंजन मतलब कि आप यहाँ से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मतलब कि नॉर्मली कोई छोटा फाइल है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो सब GB का है, मतलब 4 GB देख सकते हैं, एकदम एक एक नाइन ईयर्स पहले का पिक्चर है रावण, मतलब कि जो शाहरुख खान का जो आप सब हम सब लोगों ने देखा है, देख सकते हैं कि मतलब सॉन्ग प्रोमो मतलब कि जैसे देख सकते हैं 40-42 मतलब सब बड़े बड़े फाइल हैं जो मतलब आपको मैं डाउनलोड करके दिखा सकता था। तो इस तरीके से मतलब कि आप कोई भी मतलब यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो मतलब कि मैं दूसरा मूवी जैसा मतलब कि पद्मावती मूवी जैसा मतलब कि जैसे देख सकते हैं सर्च में मैंने टॉप टाइप करने के बाद सर्च जैसे करता हूं तो देख सकते हैं कि यहां से आप वेब सीरीज मूवीज देख सकते हैं, मतलब कि यहां पे इसका रिजल्ट 3 ईयर अगो मतलब कि इसने तुरंत रिजल्ट लाके दे दिया। तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये एप्लीकेशन से है, जस्ट यहाँ से आपको सर्च करना है मूवीज़ वेब सीरीज़ कुछ भी आप सर्च कीजिए, तुरंत रिजल्ट लेके देता है। तो मतलब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल तरीके से, मतलब कि देख सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये डाउनलोड पर दिखाई देगा, मतलब कि आप यहाँ से मतलब कि VPN भी यूज़ करके इसी बिल्ट इन VPN यूज़ करके भी आप इसमें से मतलब कि और भी मतलब जो जो चाहिए आपको यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा आज का 5 एप्लीकेशंस यहीं पर समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स।